दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 28 मार्च 2021। आज हम अपना दिन में वीडियो बना रहे हैं। दोपहर के कोई 13:13 हुए हैं। अभी हमें परमात्मा ने बोला कि भाई ये वीडियो बनाओ। दोस्तों हमारे यहाँ से देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी प्रसारित करते रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि यह जो वाणी बोलती है अब भारत में ऐसा ऐसा ही होगा, इसके कोई पीछे का विज्ञान है। तो भाई देववाणी का पता नहीं, जनवाणी का पता नहीं, 138 करोड़ लोगों की वाणी है। भाई मंगलवाणी का जरूर है जो ये बोलता है। यह समझ लो कि यह जो देववाणी है इसका प्रवक्ता है ये मंगल, और अब ये कहता है कि ऐसा ऐसा ही होता जाएगा। आप समझ लो, आज हम थोड़ा लक्षण विज्ञान के बारे में बोलते हैं। एक दिन पहले भी हमने बोला था कि यदि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होगा। इस देववाणी से आप बड़ी सीख ले सकते हैं। आज का वीडियो सुनिए। कई पॉइंट हमने इसमें लिए हैं। देखिए लक्षणों में क्या है कि हमारे एक ऐसा ही एग्जाम्पल याद आ रहा है कि भाई देखो, या कोई लड़का है या लड़की है, यदि कोई लड़की चलते हुए किसी लड़के के सामने मुस्करा रही है तो समझ लो कि कुछ होगा। उसके बाद यह देख लो कि यदि वह लड़की लड़के को चिट्ठी भी लिखती है तो समझ लो कि भाई कुछ होगा। मान लो वह लड़की उस लड़के को फ़ोन भी करती है तो समझ लो कि अब तो कुछ होगा। ये तीन चीज़ें हो जाने के बाद ये कन्फर्म होता है कि भाई उस लड़के लड़कियों के बीच में ये ऐसा ऐसा होगा। हमें एग्जाम्पल अभी यही सुझाव हमने यही दे दिया। इसी तरह से ये ट्राइंगल का जो विज्ञान है इसमें ऐसा है कि एक लक्षण भी यह बताती है कि कुछ ऐसा होगा। दूसरा यदि इसी तरह का सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो होगा कि भाई अब तो वह चीज़ जरूर होगी। तीसरा भी ऐसे ही, इस आधार पर हम, इस लक्षण विज्ञान के आधार पर हम आपको बताएंगे कि भाई होशियार रहो, कुछ कुछ भयानक होगा। और हम ये भी बताते रहते हैं कि इससे अपनी रक्षा कैसे करी जाए। आज की देववाणी एक हमारा पॉइंट है ए। हम ABCD चार पॉइंट हैं हमारे, चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएं। आज 28 तारीख है, कल 27/03/21 की हमारा वीडियो देखिएगा। कमेंट बाई वन ग्लोबल लॉ ऑन माय वीडियो नंबर 27 मार्च 2021 ए, लिस्ट ऑफ ब्लैक मनी होल्डर्स इन स्विस बैंक्स टॉप 30 मेंबर्स। कमेंट बाय वन ग्लोबल लॉ ऑन माय वीडियो 27 तारीख वाला, लिस्ट ऑफ ब्लैक मनी होल्डर्स ऑन स्विस बैंक टॉप 30 मेंबर्स। ये क्या है भाई, उन्होंने ये लिस्ट कमेंट में दिए। कल वाले वीडियो में ये देखेगा अंबानी का स्विस बैंक में कितना जमा है, 5,68,000 करोड़ रुपए। 100-200 करोड़ नहीं, 5,68,000 करोड़ रुपए। अडानी का है 7,800 करोड़ रुपए। अमित शाह का है 1,78,000 करोड़ रुपए। राजनाथ का है 82,082,000 करोड़। अरुण जेटली का है 15,000 करोड़। स्मृति ईरानी जो कल की ही नेता हैं, उनका 28,900 करोड़। ये जेटली से भी बढ़ गई। नरेंद्र मोदी का है 19,800 करोड़। वसुंधरा राजे का है 5,900 करोड़। सुब्रमण्यम स्वामी का है
2,20,000 करोड़ रुपए जमा। ये 6-7 का हमने बोला है, लिखा है। आप पूरे कमेंट में जाकर, कल के वीडियो के कमेंट में जाकर सबकी लिस्ट देख सकते हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं कि ये एक लक्षण है, जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ और क्या होगा, जो हम बोलते रहते हैं। देश कैसे प्रगति करे, लोग कैसे भूखे नहीं मरें, क्या क्या हो रहा है, इनसे यह भविष्यवाणी की जा सकती है, लगभग सही होगी। अगर भाई भारत में ऐसा ऐसा होगा, यदि इसके साथ साथ जैसे ये दूसरा, पहला दूसरा सपोर्टिंग मिले, यह भी हो कि ये बी देखिए या फिर ऐसे करो, इसको लिखो बी, इसको लिखो सी। अब दूसरा देखिए, ईवीएम और पुलवामा स्कैंडल हुए, समझ लो कि हुए कि नहीं हुए, लेकिन इतना बाबेला मचने के बाद जिनकी इंक्वायरी नहीं कराई गई, इससे पता चलता है कि ये हुए हैं, और भी बहुत से प्रमाण हैं कि ये हुए हैं। पूरे देश के साथ जब इस तरह की देशद्रोहिता की जा सकती है, सेना के जवानों के साथ इस तरह का किया जा सकता है, वहाँ तो समझ लो कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा। हम डिटेल में नहीं जा रहे, ये सारे मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं षड्यंत्र जैसा, उसमें 2-4 अपने अपने पॉइंट्स पर रखे हुए एक खास प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ किसी लड़की ने मुस्कराई, उसने चिट्ठी भी लिखकर फेंकी, फ़ोन भी किया, तो समझ लो कि भाई अब तो कुछ कुछ होगा। चाहे वो लव हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे खूनी कुछ हो जाए, कुछ कुछ भाई होगा। जहाँ ऐसा होता है वहाँ ऐसा भी होगा, ये पहले वाला तो है ही। और देखिए सी, देखिए पंजाब में बीजेपी एमएलए अरुण नारंग को नंगा करके किसानों ने पीटा। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, किसानों ने पीटा, भाई यह बात भी कुछ कुछ बताती है। ये हमारे षड्यंत्र में यदि हम कुछ कुछ इनमें पॉइंट रखते जाएं, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होगा, जो हम अभी थोड़ा बता देंगे, या फिर जिनको हम बताते ही रहते हैं। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट जाती, पिछली घटनाओं से अगली घटनाओं का संबंध होता है कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा भी होगा। अब ये देखिए, अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, होली का दहन। देश आज होली का दहन, होली का त्यौहार मना रहा है। देखिए डोंट सेलिब्रेट इट, नेवर सेलिब्रेट इट। Don't celebrate it, never celebrate it. भाई अब आपने बता दिया कि होली को मत मनाओ, भाई क्यों नहीं मनाएं यह बताओ। यह तो मेरा अपना विचार है, आप अपना विचार जो बनाएं वह आप बनाना। भारत में कितना भयानक शैतानी दकियानूसी सिस्टम रहा है, उनमें बहुत से घटनाएं हैं जिनमें एक होली का दहन है। ये क्या है कि उस होली नाम की लड़की को जिंदा जला दिया गया। अरे भाई उसका तो ये कारण था। अब यह अच्छा है कि बुरा, हम थोड़ा सा इसकी विवेचना करते हैं। भाई जिंदा जला दिया गया, भाई वो तो ऐसी थी इसलिए उसको जला दिया गया। अच्छा भाई वो कैसी थी,
अब इस बारे में दो थीसिस मिलती हैं कि भाई वो जो है उस ईश्वर के भक्त को मारना चाहते थे, मर जाता वो यदि ये होली का दहन नहीं होता तो। भाई इसलिए तुम होली का दहन को मनाओ मनाओ। दूसरा जो आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई देखो ये होली का यह होली है जो भारत के गरीब लोगों की एक लड़की थी जिसको अमीर लोगों ने आतताइयों ने जिसके साथ बलात्कार किया और फिर उसको जिंदा जलाया। मेरा कहना नहीं मानो मत मानो, मैंने भी पढ़ा है, वामन मेश्राम वाला लिटरेचर देखो और तरह का लिटरेचर देखो। भाई इन लोगों ने राजपाट तो लिया, इनकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा न्याय किया, पहले उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसके साथ उसको जिंदा जलाया। अब भाई दो ये हैं, वह बहुत बुरी थी और वह अच्छी थी, लेकिन उसके साथ तो ऐसा हुआ। यदि दोनों ही पक्षों को ले भाई वो ऐसा हुआ कैसे, तो बहुत बुरी थी, मान लो उसने भगवान भक्त को जलाया होता, भाई इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, ये किन लोगों ने लिखी है। और दूसरी तरफ है कि वो अच्छी थी जिसके साथ अन्याय अत्याचार, भाई इसका क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण है कि भारत में दूत जिन्होंने और लोगों पर राज किया वे ऐसा कर सकते हैं। भारत की माताओं बहनों को जब सती प्रथा के नाम पर बिना को दोष होए ही जो जिंदा जला सकते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि उनकी मूल थीसिस को देखा जाए, मन उनको देखा जाए, शैतानिक सिस्टम को देखा जाए, तो इसमें ही ज़्यादा वजन लगेगा कि उस बिचारी होली लड़की को पहले ऐसा करके फिर जिंदा जलाया था, लेकिन उसको कुछ रूप देने के लिए कुछ की कुछ कहानी गढ़ी गई और उसको जिंदा जलाया। उसको मनाते हैं और उसको वे भी मनाते हैं जो उस होलिका के वंशज भी हैं। और देखिए मान लो वो अच्छी थी या वो बुरी थी या अच्छी थी, इस प्रश्न को भी छोड़ दो। सपोज करो उसने कुछ क्राइम कमिट कर लिया तो क्या ये कानून अलाउ करता है, क्या ये मानवीय कानून भी अलाउ करता है कि किसी औरत को आप जिंदा जला दो। गुस्से में जिंदा जला भी दिया तो क्या ये होना चाहिए कि पूरा देश उसको सेलिब्रेट करे। और यही कारण था कि होली जैसी लड़कियां जलती थी, ऐसे ही अब घरों की सती प्रथा के नाम पर औरतें जलती थी और विदेशी देखते थे कि अरे ये हिंदू तो हैं ही ऐसे। फिर क्या है कि प्लस माइनस का जो हमारा सिद्धांत है वो होता रहता है। भारत की उन्हीं लोगों की जो होली का दहन करते थे, जिन्होंने होलिका को जिंदा जलाया, अपनी माँ बहनों को जिंदा शत्रुप्रथा के नाम पर जलाते थे, उनकी भी बहन बेटियों की होली जलती थी। सखून कुसान है जो भर भर के ले गए इंडिया की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, और जो वहाँ गजनी के मार्केटों में जिनकी बोली लगती थी, जिनकी होली जलती थी। एक हाथ लो और एक हाथ दो। इधर लिया इधर दिया, ये संसार का नियम है। लेकिन हम हिंदू हैं कि समझने का नाम ही नहीं लेते। तभी तो हम 2000 साल तक गुलाम रहे, किसी को पता नहीं। ये बहस का विषय है और ये बहस करवाओ, आती रहती है नेट पर कि भाई असली कारण क्या था, नकली क्या था, यह ऐसा। और मान लो वो थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया तो क्या तुम किसी औरत को जिंदा जलाओगे और क्या उसका उत्सव मनाओगे। तुमने किसी और की बच्ची का उत्सव मनाया, चाहे वो दोषी हो नहीं हो, तुम्हारी भी बच्चियों का उत्सव मनाया जाएगा। ये सुन लो, ये जो कुछ कारण है इसलिए मैंने लिखा है कि डोंट सेलिब्रेट इट, नेवर सेलिब्रेट इट। अरे कुछ सोचो तो सही देश के लोगों, इस 21वीं शताब्दी के
ज़माने में, ये इंटरनेट के ज़माने में भी तो सोच लो। चलो धीरे धीरे देश थोड़ा जागृत हो रहा है, मैंने अपनी बात कह दी, सैकड़ों हजारों लोगों के पास यह जा सकती है, और भी ऐसी क्लिप आती रहती हैं, लेकिन देख लो कमेंट में, कल के वीडियो के कमेंट में देखना कि बड़े बड़े लोगों की क्या शक्लें हैं, ईवीएम पुलवामा में क्या हुआ, और ये बीजेपी और एमएलए को नंगा करके ऐसे ही नहीं हो गया, और ये होली दिक्कत है, और भी हजारों घटनाएं ये देख लो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा भारत में, जो मंगल कहता है। घटनाएं अब इसी तरह से मोड़ लेंगी, घटनाएं इसी तरह से मोड़ लेंगी कि भारत में भयानक लोगों को दंड, अमानवीय लोगों को दंड देने के बाद भारत महान बनेगा, और इसमें बड़ा झमेला अभी चलेगा, यह देख लो। ये किसान अपने मोर्चे पर बैठे हुए, ये जवान अपने मोर्चे पर बैठे हुए, ये गरीब आदमी अपना रिक्शा चलाता हुआ, ये मंगल वीडियो बनाता हुआ, ये भगवान, ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी कुछ करती हुई, सब अपना आप अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन होना है जो तो होगा, जो लोग समझने का नाम नहीं लेते उनके साथ देखना बहुत बुरा होगा। एक तरफ 70% लोगों को भूखे मरने के लिए, खून बेचने के लिए, अपनी इज्जत बेचने के लिए छोड़ दिया गया, और ऊपर अट्टालिकाओं वाले लोग क्या अट्ठास करते हैं। 30 लोगों की लिस्ट देखो, जिनके पास पैसा कहाँ से आया, देश का क्या हो, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता, इस दुनिया का मालिक कोई इडियट नहीं है। देखो वो बड़ा भयानक करने जा रहा है, संभलना है तो संभल जाओ, और उस संभलने का सबसे पहला है कि ये मंगलवाणी सुनो, जनवाणी सुनो, देववाणी सुनो, जिसके प्रवक्ता मंगल कहते हैं कि मैं हूँ और ऐसा ही होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मेरी आवाज़ को सुना, ये मुझे मेरा काम बताया भगवान ने, मैं यह काम कर रहा हूँ। वीडियो तो पूरा, अब आप देखिए, इस दुनिया में, भारत में ज़्यादा जीने लायक परिस्थितियाँ हैं ही नहीं। कोई सत्य बोले तो वही तेल लेने जाओ, फिर भी जीना तो पड़ेगा ही। यह गाना मैं सुन रहा